अरे बाबू खाना जल्दी बना लेना और कुछ तोड़ना फोड़ना मत, बना आराम से लूंगा। काम करना। जल्दी से खाना बना लेता हूँ, मालिक ने कहा कि तोड़ना फोड़ना मत, तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है जल्दी से बना लेता हूँ। क्या बनाऊँ, किधर प्लेट किधर है, ओके प्लेट लेता हूँ, पहले टमाटर काट लेता हूँ। अरे भाई मालिक ने कहा जल्दीबाजी मत करना, कुछ तू गिरा देगा तोड़ देगा, जल्दी कर ले। चॉपर में कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, ठीक है डाल लेता हूँ चॉपर में। ओके ठीक है, हाँ जल्दी। ओह मालिक ने कहा था कुछ तोड़ा फोड़ी मत करना, ये तो टूट गया, अब कैसे होगा। ओह तो नौकरी जाएगी, मालिक ने कहा था आराम आराम से करना और मैं जल्दीबाजी में मैंने तोड़ दिया। काश मैंने कृष्णा सर का चैनल सब्सक्राइब किया होता, उनकी वीडियो देखी होती तो मुझे आता कैसे ठीक करते हैं, मैं तो उसे ठीक करना भी नहीं आता है, पता नहीं कैसे खुलेगा ये। ओहो अब मैं क्या करूं, मेरी तो गई नौकरी, अब नौकरी गई, कैसे करूं, खुलता भी नहीं है, कहीं बोल्ट भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। हे कृष्णा सर अब आप ही मेरी मदद करें। अरे कृष्णा सर आप आ गए, क्या हो गया रामू, कैसे परेशान है। कृष्णा सर प्लीज मेरी मदद करिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे हाथ से ये चॉपर टूट गया है और मैं जल्दीबाजी में बना रहा था तो टूट गया, इसकी रॉक टूट गई है मेरी, ठीक है इसीलिए मैं कहता था कि चैनल को देखो और वीडियो में सीखो जो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुमने सीखा होता था तुम कर पाते ये। नहीं नहीं कृष्णा सर आगे से मैं आपकी सारी वीडियोस को देखूंगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और सीखूंगा किस तरीके से क्या घर के सारे काम किए जाते हैं। चलो ठीक है, अभी तो मैं ये ठीक कर देता हूँ जादू से, बाकी आगे से ध्यान रखना। ओके अरे वाह ये तो ठीक हो ठीक गया। है, ओ कृष्णा सर थैंक यू आपने बहुत मेरी मदद कर दी है, थैंक यू वेरी मच कृष्णा सर, ये तो ठीक हो गया है और आगे से मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, लाइक करूंगा और शेयर करूंगा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णा पॉइंट, और कृष्णा पॉइंट में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अगेन मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया हूँ। अगर कभी बाई चांस किचन में काम करते हुए आपका चॉपर खराब हो जाता है, उसकी रोप टूट जाती है तो वो एक तरह से खराब हो जाता है, तो किस तरीके से रोप को चेंज करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूबल होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में और सीखिए किस तरीके से रोप को लगाया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि रामू ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था और उसकी वजह से उसने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा चैनल देखा भी नहीं उसने, और जो मैंने ये वीडियो बनाई थी ये भी नहीं देखा उसने। ओके तो क्या हुआ कि उसकी नौकरी जाने वाली थी बट एंड वक्त पर कृष्णा सर ने आकर के बचाया। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव है, जो कि घर के पर्पज़ से ही बनाई जाई गई हैं। ओके तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को सीख सकें और घर पर ही कर सकें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इतना छोटा मोटा काम हम घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए हमारे पास ये हैवल्स का चॉपर है। ओके ये हैवल्स का चॉपर है फ्रेंड्स मेरे पास में, ठीक है मिनी चॉपर है, 450 रुपीज़ का है ये। ओके तो आज हम इसी की डोरी को लगाना सीखेंगे कि अगर टूट जाती है तो किस तरीके से लगाएंगे। ठीक एक एक बार इसका लुक देख लीजिए आप लोग, इस तरीके का लुक है इसका। ओके तो फ्रेंड्स वैसे तो ये टूटा हुआ नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको तोड़ करके दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है देखिए। ओके तो फ्रेंड्स ये हैवल्स का चॉपर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स देखिए इसमें ये इस तरीके का कुछ असेंबली होती है, और हैवल्स में एक्चुअल देखिए अलग अलग चॉपर में अलग अलग तरीका होता है। जो हैवल्स है इसमें फ्रेंड्स लॉक्स आते हैं। ओके ये ठीक है, बट और जो कुछ अलग कंपनी के होते हैं उनमें क्या होता है कि इस तरीके का यहाँ हल्का सा निशान दिया हुआ होता है। ओके दिख रहा है, जूम करो, इस तरीके की हल्की सी मार्किंग होती है। ठीक है तो क्या होता है कि अगर इसमें लॉक नहीं दिया हुआ है आप पहले लॉक ट्राई करें, अगर लॉक मिल जाता है आपको, अगर लॉक नहीं मिलता है आपको
तो आपको क्या करना है, ऐसे तीन यहाँ पर निशान दिखाई देंगे, ओके। तो आपको क्या करना है कि किसी नुकीली चीज़ से उस निशान को, वो निशान नहीं होता है बेसिकली, एक कैप लगा हुआ होता है, ढक्कन होता है, कैप होता है, उस कैप, वो कैप लगा हुआ होता है, किसी भी नुकीली चीज़ से उस कैप को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। तो उसको निकालने के बाद में उसमें तीन स्क्रू दिखाई देंगे, आप उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के चॉपर्स में तो वैसा होगा, बट इस तरह के चॉपर्स में फ्रेंड्स मेरे को आइडिया ऐसा था कि यहाँ पे जो निशान है इसमें होगा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि इसमें लॉक हो सकता है, तो मैं वो स्क्रू ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने, देखिए फ्रेंड्स, पेचकस को गर्म करके मैंने होल भी कर दिए हैं तीन इसमें, बट मेरे को नहीं मिला। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया तो यहाँ पे देखिए गैपिंग है, ओके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। देखिए इसमें ये गैपिंग है, ऐसे करके एक गैपिंग ये है, एक गैपिंग ये है, और एक गैपिंग ये है फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरीके की तीन गैपिंग है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, इन गैपिंग में इस तरीके से पेचकस को डाल करके, ओके, हल्का सा ऊपर की तरफ करना है। देखिए आवाज़ आई, इसका जो एक लॉक था इसके पास में ये खुल चुका है, दूसरे वाले के पास भी ऐसे ही करना है, दूसरा लॉक भी हमारा खुल चुका है, ओके। अब देखिए इसको हल्का सा ऐसे उठा करके, अंगूठे के और उंगली की सहायता से हल्का सा उठा कर रखिए इसको, उसके बाद यहाँ वाले पे वापस इस तरीके से ऊपर हमें करना है, तो ये तीनों लॉक खुल चुके हैं, ओके। तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया था आपको, इस तरीके से यहाँ पर रखना है, इसका रखने का एक पर्पज़ है, क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं रखोगे, यहाँ से ऊँचा करोगे तो क्या होगा, ये वापस डाउन जाएगा और लॉक वापस से लग सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से जब दो लॉक खुल जाते हैं तो आपको इस तरीके से रखना है, उसके बाद थर्ड वाले को ऐसे करके खोल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये खुल गया है, ओके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो असेंबली हम जैसे निकालेंगे उसको उस तरीके से ही सीक्वेंस में रखना है। फर्स्ट में ये निकाला हमने तो ये रखा है, ओके। देखिए सेकंड में हम इसमें, देखिए ये होता है एक, ठीक है, सेकंड में इसको निकालना है, ओके। ये निकल चुका है, देखिए इसमें एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, और एक हेक्सागोनल इसमें गियर टाइप का होता है, ओके। तो अगर ये बाई चांस डिसम्बल हो जाए तो आपको समझ में नहीं कैसे लगाना है, तो कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। देखिए ये इसमें ग्रूविंग बनी हुई है और इसमें भी है, तो इन दोनों को आपस में मैच करा देना है, और ये स्प्रिंग इसके ऊपर रहती है, ओके। मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, गलती से कई बार क्या होता है, खोलने के बाद हमें ध्यान रहता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से थी। तो आप इजी गोइंग मेरी वीडियो को देख करके सारे काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया एक ये वाली शाफ्ट होती है, ओके, उसके ऊपर ये गियर लगा हुआ होता है और उसके ऊपर स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दो पार्ट मैंने निकाल दिए हैं, और ये देखिए फर्स्ट सेकंड, ओके, सीक्वेंस में रखा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें एक ये रिंग होती है, ठीक है, इजी गोइंग, ये रिंग भी निकल गई, ठीक है। देखिए ये होता है, ओके। तो ये थर्ड नंबर पर है, मैंने इसको यहाँ पर थर्ड नंबर पर रख दिया है, ओके। अब फाइनली ये आ गया हमारा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारी डोरी टूटी हुई नहीं है, ओके। अगर जब डोरी टूट जाती है फ्रेंड्स यहाँ से, तो क्या होता है कि ये डोरी खुल करके अंदर चली जाएगी, ओके, बाहर नहीं रहेगी, टूटते ही क्या होगा, अंदर चली जाएगी, तो आपको वो हाथ में नहीं आएगी, ओके। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमें क्या करना है, जो असेंबली दिख रही है इसे हमें खोलना है, ओके। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि इस असेंबली में एक स्प्रिंग होती है जो कि क्रिटिकल होती है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को, बट आप करेंगे इजी गोइंग, काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ओके। तो इस वाली असेंबली को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हल्का सा देखिए इस तरीके से पकड़ना है इसे, और पकड़ के आगे की तरफ खींचना है इसको, ठीक है, ये देखिए, ओके, ये मैंने आगे की तरफ खींच लिया है इसे, ठीक है। और खींचने के बाद में फ्रेंड्स इसकी जो स्प्रिंग है, ओके, देखिए ये स्प्रिंग इसमें से अभी निकल जाएगी आपकी, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, आराम से करना आप लोग, लग सकती है, ओके, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स ये वाली जो स्प्रिंग थी ये हमारी निकल चुकी है, और चॉपर तो हर कोई बना सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इस स्प्रिंग को लगाना जो वो मेन काम है, वो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लगा पाएंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को अभी हाल फिलहाल मैं अलग रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि तीन पार्ट हमारे पहले निकल चुके थे, और चौथा पार्ट जो था हमारा स्प्रिंग, वो अलग रख दिया गया है, ओके। और स्प्रिंग के बाद में देखिए फ्रेंड्स ये एक ऊपर इसके इसमें इस तरीके इसको रोकने के लिए लगा हुआ होता है, कि ये हो पांचवा पार्ट ये है हमारा, ओके। छठा पार्ट ये है जो कि नीचे की साइड में रहता है, इसका जो पतला वाला सॉफ्ट वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड में रहता है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रहता है, ओके। तो इसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी असेंबली निकल चुकी है, ओके, ये देखिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, या तो ये वाला हिस्सा टूटा हुआ रहेगा आपका, ओके,
और या फिर ये वाला टूटा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, आप लोगों को करना क्या है कि फर्स्ट में डोरी यहाँ से डालनी है, डालने के बाद यहाँ से निकालना है और यहाँ से निकालना है और फिर इसमें लगा देना है। ओके, तो फर्स्ट में कहाँ लगा, किस में लगाना है फ्रेंड, डोरी इसमें लगानी है। ओके, ये गलती ना करना, उल्टा हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले डोरी यहाँ से डालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, डोरी को हमें गिठान बांध लेनी है इस तरीके। ओके, गिठान बांधने के बाद में उसको माचिस से जला लेना है, जलाने के बाद इस वाले होल में हमें डालना है और यहाँ से निकालना है। आपकी रस्सी जो इस कंडीशन में आ जाएगी तो आपको धीरे से ऐसे करके आगे बाहर ले लेना है, ठीक है। फिर उसको ऐसे खींच लेना है फ्रेंड्स। ओके, अब ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद में फिर ये वाली जो डोरी है, आपको देखिए ये वाला होल जो है इस वाले होल में डालना है, यहाँ से निकाल करके फिर आपको इसमें लगा लेना। ओके, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आपको देखिए ये यहाँ पे एक कैप लगी हुई है, ठीक है। इस कैप को रिमूव कर देना है हमें यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको रिमूव कर देना है यहाँ से। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ये कैप हमारी निकल चुकी है इसमें से, और इस कैप को हमें वापस वहीं रख देना है। ओके, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स में जो डोरी है उसको इस तरीके से अंदर पेच को उसको डाल करके हल्का सा आप पुश करेंगे, ऊपर की साइड में पुल करेंगे तो ये देखिए ये निकल गई। ओके, ये निकल करके ऐसे बाहर निकल जाएगी। और हमें अगेन जब इसको लगाना है तो क्या करना है, वापस से हमें क्या करना है, हल्का सा ये डोरी फ्रेंड्स, अगर आपकी डोरी छोटी हो गई है, ठीक है, या ज़्यादा बीच में से टूट गई है तो आपको मार्केट से नहीं लानी पड़ेगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 रुपए की ये नायलॉन की डोरी है ये मिल जाती है। ओके, और अगर ये नहीं मिलती है तो आप शूज़ के जो लैस होते हैं, फीते जो होते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि नायलॉन की डोरी ला करके यहाँ पे हल्का सा माचिस से जला देना है, उससे ये नुकीला हो जाएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर से डाल करके यहाँ से निकाल लेना है और एक गिठान बांध करके दोबारा से इसको ऐसे कैसे ही वापस में लगा देना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने वापस से इसको उसमें लगा दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लग चुका है फ्रेंड्स। अब जो मोस्ट क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, अब वो हम करने जा रहे हैं, जो कि हर किसी से नहीं होता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा फ्रेंड्स कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले पहला फ्रेंड्स कि आप अब जो सपोज दैट कि मैंने खोला, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये हिस्सा ऊपर था कि ये हिस्सा ऊपर था, तो मैं उसके लिए आपको पहचान बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक पहला पहचान तो ये है कि इसमें देखिए यहाँ पे ग्रूविंग हुई पड़ी है, ठीक है। ये वाला हिस्सा नीचे होता है ग्रूविंग वाला। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो दूसरा एक और तरीका है, क्या तरीका है वो, देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल जो नट होते हैं उसका शेप बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये हेक्सागोनल जो नट रहता है ये हमेशा ऊपर की साइड में होता है। ओके, कहाँ होता है फ्रेंड्स, ऊपर की साइड में होता है। तो आपको ये ऊपर की साइड में रखना है और ये नीचे की साइड में रखना है इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे भी फ्रेंड्स एक असेंबली है, देखिए ये एक प्लेट लगी हुई है इस तरीके की। ओके, और इस प्लेट को ऐसे एज इट इज ऐसे लगा देना है। उसके बाद में इसमें भी एक ग्रूव लगा हुआ है, एक ग्रूव बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ, ठीक है। अब ये जो हमारी स्प्रिंग है फ्रेंड्स, ओके, इसका जो ये वाला हिस्सा है, लंबा वाला जो हिस्सा है, ओके, वो तो हमें यहाँ इसमें फिट कर देना है, और ये वाला जो गोल वाला हिस्सा है जो आपको वो कुछ गोल सा दिख रहा है वो हमें यहाँ लगाना है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। सपोज कि आपकी ये स्प्रिंग ही टूट जाती है, ठीक है, अगर ये स्प्रिंग टूट जाती है, मान लो कि स्प्रिंग की यहाँ से टूटती है या यहाँ से टूटती है, तो आपको देखिए बिल्कुल सेम इस तरीके का वो स्प्रिंग वहाँ से काट के आपको हटा देना है, और उस जगह पर आपको इस तरीके का प्लायर से ये वाला शेप बना लेना है, मतलब इसको ऐसा करके मोड़ देना है, मोड़ने से ऐसा मुड़ जाएगा। ओके, मुड़ने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये तो ये वाले हिस्से की बात हुई, और सेकंड ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा अगर आपका टूट गया है तो आपको पहले तो ये हिस्सा हल्का सा ऐसा मोड़ना है यहाँ पर, उसके बाद फिर एक जो है एक बेंड यहाँ पे देना है और सेकंड इसको यहाँ पे कर देना है। ओके, ये खाली ये बेंड दे देंगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि अगला वाला जो हिस्सा है वो अपना बन जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है चॉपर में वो यही है, ये स्प्रिंग को लगाना, ठीक है। जब आप खुद इस चॉपर में इस स्प्रिंग को लगाएंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे लगेगा तो इसको तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, ये वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें यहाँ पर
लगाना है, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके से, ये छोटा वाला हिस्सा बाहर की साइड में रहेगा, बड़ा वाला हिस्सा अंदर की साइड में रहेगा, ठीक है ओके। तो ये इस तरीके से इसमें ये सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओके, अगेन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो छोटा वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, ये बाहर की साइड में रहेगा, बड़ा वाला हिस्सा अंदर की साइड में रहेगा, ओके। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाले हिस्से को जो हमने बाहर लगाया, इसको हमें दबा के रखना है अंगूठे की सहायता से, ताकि ये बाहर ना भागे, ओके। इसको ऐसे दबा लेना है, उसके बाद इस स्प्रिंग को ऐसे राउंड करना स्टार्ट कर देना है, ओके। देखिए पहला अंगूठे से यहाँ पे आपको प्रेस करना है, इसको दबा के रखना है, और इन दोनों उंगलियों की मदद से ये वाला जो मैं स्प्रिंग इसमें डाल रहा हूँ, इसको ऐसे करके पकड़ना है। अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये ऐसे करके भागेगा बाहर की साइड में, ओके। तो फ्रेंड्स क्या करना है, पहले अंगूठे से आपको इस वाले जहाँ पे आपने लगाया है, इस वाले हिस्से को दबा के रखना है। सेकंड, इन दोनों उंगलियों की मदद से इसको अंदर की साइड में ऐसे लपेटना है, और राइट हैंड से आपको क्या करना है, इसमें राउंड, इस स्प्रिंग को राउंड राउंड घुमाना है, ओके। देखिए ये, ओके, ये देखिए फर्स्ट राउंड मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स, देखिए, और ये सेकेंड राउंड, ठीक है, ये थर्ड राउंड, ओके, और ये फोर्थ राउंड, ये फिफ्थ राउंड। देखिए कितना इजी गोइंग हो रहा है, ठीक है, कोई मैं जादू तो कर नहीं रहा, बट इजी गोइंग हो रहा है। आप यहाँ देखिए मेरा अंगूठा यहाँ पर है, और इन दोनों उंगलियों की मदद से मैंने करा है ये, तो आप लोगों को इन दोनों उंगलियों की मदद से करना है, बहुत इजी गोइंग हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से घुमा करके। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो एक आप राउंड बना दें, वो अच्छी तरीके से उसमें सेट हो जाना चाहिए, ओके। जल्दीबाजी ना करें, अगर आपने एक बनाया और उसको सेट नहीं किया तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका वो वाला पहला वाला निकल जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, जैसे कि मैं सेट करता चला जा रहा हूँ उसमें, ओके, आपको भी ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें आराम से हो चुका है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ओके, ये आराम से इसमें लग चुका है, बहुत ही इजी गोइंग लगाया है मैंने, मैंने कोई जादू नहीं किया है। आप लोग भी, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको 100% आ जाएगा, ओके। और फिर भी नहीं आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लग चुका है, ओके। इसको लगने के बाद में फ्रेंड्स क्या करना है कि इसमें देखिए एक ये वाला पार्ट था, ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट था फ्रेंड्स, तो इसको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये गोल वाला हिस्सा, इसको आपको इस वाले होल में डाल देना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, और ये जो फंसने वाला हिस्सा है ये ऊपर रहेगा और वो नीचे चला गया है, देखिए इसमें अंदर डाल दिया मैंने, ओके, समझ में आया फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा अंदर होल में डाल दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब ये वाले पार्ट हमारे जो हैं वो सारे ऊपर के पार्ट हैं, हमें अब नीचे कुछ नहीं लगाना है, अब हमें सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है और इस वाले ग्रुप में फंसा देना है, ओके ओके फ्रेंड्स, और इस डोरी को अभी कुछ भी नहीं करना है, डोरी ऐसे ही रहने देना है, ओके। अब देखिए इसको आराम से इजी में पहले यहाँ पे हाथ लगा लें, ताकि ये भागे नहीं कहीं इधर उधर, ओके। डोरी को हल्का सा बाहर की साइड में खींच लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि आपका जो ग्रुप है वो कहाँ पर है, तो ग्रुप और इन दोनों को आपस में मिला लीजिए, एक जगह पे होने चाहिए दोनों, तो वो इजी गोइंग आपको लग जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं देख रहा हूँ उसमें, ओके, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए ये ग्रूव इस साइड में है, तो मैंने इसको भी यहीं रखा हुआ है, ओके। और ये देखिए ऊपर से मैंने देखा कि ये होल कहाँ पर है, तो इस तरीके से मैंने होल में इसको डाल दिया है, और उसके बाद देखिए मैंने इजी गोइंग ऐसे किया तो वो ग्रूव में बैठ गया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये ऐसे मैंने घुमाया और ये वापस राउंड कर रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपरली फिट हो चुका है, यही इसका टेस्ट है। देखिए ये वापस से घूम रहा है, ओके। और फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डोरी किस डायरेक्शन में लपेटनी है, ठीक है। हर चॉपर में अलग अलग होता है, अगर मैं इसको आपको कह दूं कि एंड क्लॉकवाइज करना है तो दूसरी चॉपर में हो सकता नहीं हो, आपको ये देखना है कि देखिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को घुमा रहा हूँ तो ये घूम नहीं रहा है फ्रेंड्स, देखिए, ओके, लेकिन जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है इजी गोइंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डोरी को ये जिस भी डायरेक्शन में घूमता है आपको उसी डायरेक्शन में डोरी को लपेट देना है, ओके। अब देखिए इस डोरी को ऐसे, पहले तो इस पे हाथ लगा लीजिए फ्रेंड, ओके, उसके बाद क्या करना है आपको इस तरीके से डोरी को पूरा का पूरा खींच लेना है, ओके। खींचने के बाद में जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है आपका इस तरीके से, ओके, उसी डायरेक्शन में आपको डोरी को लपेटना है, ठीक है।
और इस पर भी हाथ रखना है, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए। इसके लिए एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स हम, देखिए अब ये असेंबली हमारी पूरी पक्की हो चुकी है। अब असेंबली होने के बाद में इसमें ये लॉक है फिर, देखिए ओके ये लॉक है हमारा, ठीक है। तो इस लॉक को मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, इससे क्या होगा ये बाहर नहीं निकलेगा और स्प्रिंग अपनी जगह पर सेट रहेगी, ठीक है। देखिए ओके ये देखिए, ये मैंने ऐसे करके दबा दिया इसको और ये लॉक इसमें लग चुका है फ्रेंड्स, ये अब बाहर नहीं निकलेगा, ओके ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए काम करने का एक तरीका होता है, मैंने देखिए सारा का सारा जो पार्ट निकला था वो मैंने इस वाले प्लेट में जो इसमें से निकली थी ऊपर की प्लेट उसमें रखा और अब मैं एक एक करके इसमें लगा दे रहा हूँ, तो मिस कोई भी चीज़ मेरे से मिस नहीं हो रही है। कोई भी काम करें आप, एक कोई भी ट्रे बना लें, कुछ भी बना लें, उसमें आप रखें, ओके ये एक काम करने का बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए अब ये जो पार्ट है ये बाद में लगेंगे, अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए फ्रेंड्स दोबारा से, अब क्या करना है फ्रेंड्स इसको, ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में हमें डोरी को लपेटना है। तो फ्रेंड्स ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें क्लॉकवाइज ही इसको लगा लेना है, ओके देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से घुमाते घुमाते क्या हुआ फ्रेंड्स, बल आ गया है, तो बल को निकाल लीजिए डोरी में से, ओके। और उसके बाद में फिर यहाँ से एक बार टाइट कर लीजिए, ठीक है। टाइट करके जब बाहर निकल जाएगा तो इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो इसका बल निकल जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से डोरी को अंदर की साइड में करने के लिए देखिए यहाँ से इस पेचकस की मदद से, इस तरीके पेचकस की मदद से हमें डोरी को अंदर की साइड में खींच लेना है, ओके। और इसको दोबारा से और भी लपेटना है, ठीक है। ये देखिए मैंने लपेट दिया, जब तक ये डोरी टाइट नहीं होती फ्रेंड्स आपको लपेटते ही रहना है, ठीक है ओके। देखिए अभी भी ये डोरी लूज है, ओके। तो हमें क्या करना है इसको, आपको जिस डायरेक्शन में टाइट होता है हल्का सा उसको टाइट कर लीजिए, इसको घुमा लीजिए, ओके। इस तरीके से घुमाने से क्या होगा आपकी जो रोप है वो क्या हो जाएगी, आपकी लूज हो जाएगी, ठीक है। लूज होने के बाद देखिए इसमें एक और राउंड आ चुका है, ओके। इस राउंड को फिर इस तरीके से घुमा करके इसको और घुमाएंगे तो क्या होगा, ये रोप जो आपकी लूज होती चली जाएगी, ओके। ये देखिए ये लूज होती चली आ रही है और फिर ये देखिए अब ये टाइट हो चुकी है, ओके। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितनी अच्छी तरीके से ये टाइट हो गया है इसमें, देखिए ओके ठीक है। अब इससे ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, जब लास्ट में आपका लास्ट वाला राउंड बचता है तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को और घुमा देना है। देखिए इसको जैसे ही घुमाएंगे ना आप, देखिए फ्रेंड्स ये जो ये रॉप है आपकी लूज होती चली जाएगी, ओके। ये देखिए लूज हो रही है, ये है ना। अब ये लूज हो जाएगी तो आपको वहाँ पे और स्पेस मिलेगा राउंड लास्ट में लगाने के लिए, और जब फाइनली ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो लगे आपको कि हाँ भाई अब टाइट हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको बस वहीं तक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे वाली जो असेंबली है फ्रेंड्स वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, हमने ये रिंग निकाली थी फ्रेंड्स, ठीक है। ये रिंग हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, ठीक है। अब देखिए हल्की सी डोरी अड़ रही है इसमें, तो डोरी को हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा से इन दोनों को हमें ऐसे कैसे इस पर लगा देना है, ओके ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, ओके ये लग चुका है आपका, ठीक है। अब हमें लास्ट एंड फाइनली जो हमारा ये चीज़ था वो चीज़ इसमें फंसा दे देगी, हेक्सागोनल है, ओके। और इसका अंदर का साइड भी ऐसा ही है, और ये वाला जो यहाँ पे गोल सा बना हुआ है इस पर लग जाएगा स्प्रिंग ये, और ऐसे करके ये इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है ओके फ्रेंड्स। ये सेट हो चुका है आपका, ओके। तो देखिए ये इसमें बिल्कुल टाइट सी लग जाना चाहिए और घूमना नहीं चाहिए, ओके। अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर की प्लेट है इसके ये वीए वाले जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हमें क्या करना है, इनके अंदर घुसाना है। क्या करना है, इनको तीनों को इनके अंदर हमें घुसाना है, ओके। तो उसको घुसाने के लिए हमें देखना, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ओके ये इसमें लग जाएगा, ये इसमें लग जाएगा और ये इसमें लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको लगा देना है, देखिए ए फर्स्ट एक मिला लीजिए आप, ओके, और बाकी के अपने आप लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जगह फिक्स है। देखिए इस तरीके से हाथ से दबा देना है इसको, और देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हमारा हो चुका है, ठीक है ओके। देखिए आपका चॉपर तैयार हो चुका है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चॉपर आपका तैयार, देखिए आपका ये बकायदा काम कर रहा है, ओके ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे वो लग जाएगा सब ब्लेड और काफ़ी अच्छे तरीके से काम आपका ये करेगा, ओके। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने कितनी ईजी गोइंग तरीके से आपको बताया, ओके। आप मेरी वीडियो को देखेंगे आप किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ईजी गोइंग ये काम कर पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा कोई मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है, एक ये होती है, ओके, बाउल टाइप की, और एक ही ब्लेड है। ये ब्लेड कभी बहुत मुश्किल से ख़राब होती है, सही रहती है, और ये
ये जो इसमें एक पॉइंट लगा हुआ है इसमें ये फंस जाता है, ओके, फंस जाने के बाद भी चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका ये टूट जाता है, ठीक है, ये नीचे वाला जो है ये अगर टूट जाता है तो इसका मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो दो ही हैं। पहली तो ये कि फ्रेंड्स इसकी डोरी टूट जाती है पानी वानी में लग करके, दूसरी ये कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका टूट जाता है तो फिर ये काम नहीं करता है आपका। तो इसको किस तरीके से दोबारा से इसको चलाना है, क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है, और आप लोगों ने सीखा भी होगा फ्रेंड्स ने काफ़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ओके, ताकि मैं आपको ऐसी और भी बहुत अच्छी चीज़ें बता सकूं और आपको समझा सकूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो देख करके जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आप लोगों को भी थोड़ी सी नॉलेज होगी, ठीक है, आप भी काम कर सकते हैं और आपको भी एक अलग सा फील आएगा, ठीक है, कि और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर कि आप कुछ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू वेरी मच।